हेलो एस्पायरेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट न्यू रिक्रूटमेंट निकली है सिडबी में। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो वैकेंसी निकली है वो असिस्टेंट मैनेजर की निकली, जिसे हम ग्रेड ए भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेड ए बोलते हैं। इसकी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, सारा कुछ, सैलरी से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एवरीथिंग राइट। एग्जाम पैटर्न क्या है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज की लेटेस्ट अपडेट है 13 राइट, 13 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। चलिए जानते हैं एग्जामिनेशन डेट, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर पाएगे वो कल से अप्लाई कर पाएंगे, यानी 14 दिसंबर से, राइट। 14 दिसंबर को आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। कल से लास्ट डेट रहेगी 3 जनवरी तक, ठीक है। 3 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट कब है, सारा कुछ। तो आपके सामने इंपॉर्टेंट डेट का लिस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। जो एग्जामिनेशन होगी वो कंडक्ट होगी आपकी जनवरी या तो फरवरी में। यहाँ पे एक ही एग्जामिनेशन, सिंगल एग्जामिनेशन होने वाला है, फेज 1 फेज 2 नहीं होगा, सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होगा। उस के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस जो इंटरव्यू का होगा वो फरवरी में कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी एंड सैलरी की। सैलरी अप्रॉक्सीमेटली आपका 70,000 होने वाला है, राइट। बेसिक पे 28,000 से स्टार्ट होगी, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी उन्होंने रिलीज किया है 100 नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जूम जूम कर देता हूँ, राइट। सो दिस आर द नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज, ऑल राइट। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है उसके बारे में। एज लिमिट आपको मिनिमम 21 ईयर का होना चाहिए एंड मैक्सिमम 28 का होना चाहिए, ऑल राइट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है कॉमर्स इकोनॉमिक्स के साथ या फिर कोई भी डिग्री वो भी चलेगा, बैचलर डिग्री इन लॉ, राइट, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इज ऑल्सो प्रेफरेबल, राइट। सो दिस आर द क्वालिफिकेशन फॉर द दिस पोस्ट। चलिए अब एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। इसमें 2 घंटे के एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव एंड 1 घंटे का डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के 2 घंटे एग्जामिनेशन होगी, उसके जस्ट तुरंत बाद ही आपके डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा आपके लिए जो फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस से 20 मार्क्स का और 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, ठीक है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव आपको पता ही या नहीं पता मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, अगर आपने लास्ट ईयर नहीं दिया तो। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांट, राइट। बेसिक्स है इंग्लिश 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 40 आपका क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। 120 मिनट, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। दिस इज ऑल अबाउट एग्जामिनेशन पैटर्न। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, आपका डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स तभी इवेल्यूएट होगा जब आप ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई हो जाते हो, जो कट ऑफ डिसाइड हो की जाएगी उनके द्वारा। अगर वो कट ऑफ को आप क्वालिफाई करते हो तभी जाके आपका डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स काउंट होगा। जब भी रिजल्ट अनाउंस होगी मार्क्सशीट आप देखोगे, तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई किया है तभी जाके आपका डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स शो होगा, अदरवाइज यू आर नॉट क्वालिफाइड। So this is all about today's recruitment notification. If you find this session useful, hit the subscribe button, notification bell and share this with other aspirants. अगर आपके माइंड में और कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस।